अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज फहद अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और भाई आज है शूट का दिन और मैं वेट कर रहा हूँ अपने एक दोस्त का। और मेरे दोस्त वो दोस्त जिनको आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, तो थोड़ी देर में वो मेरे पास पहुँचने वाले और फिर इंशाल्लाह हम लोग निकलेंगे एक शूट के लिए। तो हमारे साथ रहिएगा, देखती रहिएगा। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि मुझे कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। जो मेरे दोस्त है मानी भाई, स्क्रिप्ट भी उन्होंने लिखा है, जगह भी उन्होंने डिसाइड की है। बस वो कह रहे थे फहद भाई आपको वहाँ चलना है और व्लॉग को शूट करना है। तो मानी भाई कहाँ लेके जाएंगे, जब वो आएंगे तभी पता चलेगा। तो इंतजार करते हैं, थोड़ी देर में बस मानी भाई पहुँचते होंगे। अच्छा भाई मानी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फहद भाई। मानी भाई कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह करम, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। अच्छा मानी भाई बताएं फिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं आज? हम ऐसी जगह जा रहे हैं नाजरीन के वहाँ पर ही जाके आज मैं फहद भाई आपको बताऊंगा, अभी मैं नहीं बताऊंगा। बहुत ही हाँ एक नायाब चीज है वो। नायाब? नायाब किस किस्म की नायाब? मतलब एक खाने के लिहाज से एक नायाब चीज है, बहुत यूनिक चीज है। और बहुत ज्यादा खाई जाती है? बहुत ज्यादा खाई जाती है, बहुत ज्यादा। हम लोग खाते हैं? आप और मैं तो नहीं खाते हाँ। लेकिन बहुत ज्यादा लोग खाते हैं और बहुत सस्ती चीज है। बहुत सस्ती चीज है? बहुत सस्ती चीज है। तो गाइस देखे क्या चीज है मुझे अभी तक नहीं पता, मानी भाई वहाँ लेके जाएंगे तो पता चलेगा। तो हमारे साथ रहिएगा और हम उस सस्ती नयाब और यूनिक चीज का व्लॉग करने वाले। तो गाइस हमारे साथ साथ रहिएगा। अच्छा गाइस हम लोग पहुंच गए तकरीबन 6-7 मिनट की मसाफत के बाद यहाँ पर। और हम लोग कहाँ गए अभी ये मानी भाई आपको बताएंगे। तो आज हम आए हैं 89 पर, एक बहुत ही जो हमने आपको बताया था नायाब और यूनिक चीज के बारे में। तो आप बताएं कि वो क्या यूनिक चीज हो सकती है? क्या यूनिक चीज हो सकती है? और वो चीज है? वो चीज है बहुत ही नायाब और कीमती चीज, नस्वार, जो कि हर जबान बोलने वाला लगाता है। हर जबान बोलने वाला लगाता है जी, बिल्कुल ठीक है। तो गाइस आज हम करने वाले नस्वार का व्लॉग, नस्वार का व्लॉग बिल्कुल। तो हमारे साथ आएगा, हम बताएंगे। और यहाँ पर एक काफी बड़ी शॉप है 89 पर, यहाँ पर हमने बात की और ये हमें बताएंगे नस्वार किस तरह बनती है और कुछ इस तरह के सवाल करेंगे और आपको बताएंगे नस्वार। बिल्कुल इस तरह आपको बताया जाएगा कि जिस तरह नस्वार बनती है, पूरा तरीका क्या होता है उसके बारे में आज हम आपको व्लॉग में बताएंगे, ठीक है? तो हमारे साथ रहिए। पहुंच चुके भाई यहाँ पर और ये चीज जो के फिर पठानी नहीं, बहुत सारे लोग खाते हैं और यहाँ पर लोग मौजूद है, वर्कर्स मौजूद है जो कि काम कर रहे हैं। और हम उनसे पूछते हैं कि नस्वार आई कहाँ से, किस तरह बनती है, कितने किस्म की होती है। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? कैसे आप? शुक्र अल्लाह का करम, आप सुनाओ? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। जैसे भाई सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि ये नस्वार कहाँ से ताल्लुक रखती है? ये असल में तो अफगानिस्तान से स्टार्ट हुई है। अच्छा। यहाँ से आप पठानी ने स्टार्ट कर दी, तो यहाँ पे जो है ना माशाल्लाह हर बरादरी के लोग जो है ना इसको लगा दे, इस्तेमाल कर दे। अच्छा, इसके लिए क्या लफ्ज़ होता है, लगाते हैं या इस्तेमाल करते हैं? नहीं, लगाने का जो है ना ज्यादा इस्तेमाल होता है। लगाने का लफ्ज़ ज्यादा यूज होता है। चुंडी लगाओ, सॉरी चुटकी लगाओ, चुटकी लगाओ, चुटकी लगाओ। ये किस चीज से बनती है? ये इसके छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनके तकरीबन एक पौधे जो है ना 3-4 पत्ते होते हैं उसमें। पंजाब के जो है ना जामशोर सिटी में ना इनके जो है ना वो वहाँ पे ये होती है। अच्छा। हाँ, छोटे छोटे इतने इतने पौधे होते हैं, वो पत्ते होते हैं इनके। पत्ते होते हैं? जी जी। पत्तों को लाकर फिर वो तकरीबन इनका आधे घंटे का प्रोसेस होता है मशीन में, ठीक है? आधे घंटे वो प्रोसेस कम्प्लीट होने के बाद इसमें जो है ना तीन टाइप के, असल में दो टाइप के, एक काली नस्वार जिनको हम बोलते हैं और एक जो है ना हरी नस्वार है। काली नस्वार और हरी नस्वार? काली नस्वार और हरी नस्वार। अच्छा, क्या फर्क है दोनों में? दोनों में फर्क है कि हरी नस्वार जो है ना ये क्वेटा में बनती है, इसमें सिर्फ तंबाकू और चूना यूज होता है, इसमें राग इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा अच्छा। हाँ, और काली वाले नस्वार में जो है ना इसमें चूना, ये तंबाकू और राग भी इस्तेमाल होता है। अच्छा। तो काली के जो है ना इसके अलग से भी 3-4 टाइप के बनाए होते हैं। काली के अलग एक साम है? हाँ, 3-4 एक साम है उनके। और इसमें जो है ना एक सख्त होती है, एक नरम होती है, और दूसरे नामों से भी आते हैं, उसमें जो है ना केमिकल वगैरह यूज होते हैं। अच्छा अच्छा। अगर मैं ओरिजिनल नस्वार की बात की जाओ तो बात करूँ तो इसका मतलब ये है कि पत्तों के साथ तीन आइटम मिलाकर एक नस्वार बना दी जाती है, ओरिजिनल ये होती है। कोई फिर केमिकल भी यूज कर लेते हैं, वो भी ना अपना नाम दे देते हैं उसको। अच्छा, अपना नाम। ओरिजिनल जो ये बनते हैं, ये तो देखो जो पौधा होते हैं उनके पत्ते से। अच्छा, और राग यूज होते हैं इसमें। ओरिजिनल सिर्फ यही है कि दो चीजें यूज करके बनाई जा रही है, और राग राग
पत्ते और राख देंगे, पत्ते और राख देगा। ठीक है जाहिर, तो देखिए जाहिर ने बताया कि जो जाहिर ने हमें ये बताया कि जो नजवार बनती है ओरिजिनल पत्तों से और पत्तों की राख से बनाई जाती है। पत्तों की राख से नहीं, आम राख जो होता है। अच्छा अच्छा, पत्तों के साथ आम जो राख की लकड़ी को जलाकर जो राख निकाली जाती है उसको मिक्स करकर ओरिजिनल नजवार बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग इस तरह भी कर रहे होते हैं कि उसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल डालकर और अपने अपने नामों से बेच रहे होते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो गाइस ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और थोड़ी सी बातें करेंगे जाहिर से, लेकिन वो कहीं और बैठकर। तो हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा हमारे चैनल को। शुक्रिया। जाहिद से पूछा था, जाहिद अगर मैं बोले, अगर मैं पूछूं कि नसवार को किस तरह आप डिफाइन करोगे, वजाहत करोगे तो क्या होगा? जाहिद भाई आपको डिफाइन करके बताएंगे नसवार के बारे में, एक जुमले में जुमला क्या है वो जाहिद भाई बताएंगे। एक चुटकी नसवार की कीमत तुम क्या जानो यूट्यूबर बाबू, पठानों की सुहाद है एक चुटकी नसवार, पेशावर का प्यार है एक चुटकी नसवार, पठान बेकरार है ना लगा के एक चुटकी नसवार। अच्छा भाई, तो आप ये बताएंगे कि नसवार लगाने के बाद क्या होते हैं आप लोगों को, यानी आप जैसे नसवार का एक टुकड़ा लगाएंगे तो क्या होगा? एक चुटकी नसवार लगाने से इंसान बंदा जो है चुम जाता है यानी ऐसे कर लेते हैं और बाहर आ जाता है। अच्छा, अगर हम कहाँ जाते हैं सही नहीं, क्योंकि शाहरुख खान का जो गाना है जुए दो पठान, उसने भी पहले एक चुटकी नसवार लगाई थी। शाहरुख खान ने भी लगाई है? लगाई थी डांस किया था। अच्छा, जब वो झूम रहा है, जब वो झूम रहा है, वो गाना फिर इसमें सही बैठता है, जुए दो पठान एक चुटकी नसवार। एक नसवार के लिए झूमने के लिए पहले नसवार लगाना लाजमी है, झूमने के लिए नसवार लगाना लाजमी है। अच्छा दोस्त मोहम्मद, कहा जाता है कि नसवार को लगाने से नसवार के दांतों का कीड़ा निकाल के दे, सही बात है? वो तो निकल जाता है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल खत्म हो जाता है कीड़ा, दांतों का कीड़ा सारा। अच्छा जाहिद भाई, ये कहते हैं कि सारे कीड़े खत्म हो जाते हैं तो और बहुत सारे कीड़े होते हैं, अगर हम उसके लिए भी इस्तेमाल करें तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ का कीड़ा मैं कह रहा हूँ, क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ, इसके लिए काम करना पड़ेगा, जिस बंदे में ज्यादा कीड़ा होगा उसकी ट्राई करेंगे, पता चल जाएगा कि वहाँ की कीड़ा खत्म करते या नहीं। अच्छा एक 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 सवाल और ये जाहिद, ये कहा जाता है जैसे मैंने आपने ऐसी हमारी कल परसों बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि भाई रमजानों में ना दिमाग बहुत खराब हुआ होता है क्योंकि ये नहीं लगाई होती, और मैं नॉर्मली, अच्छा गाइस हम नॉर्मली सिर्फ किसी एक कौमियत या किसी की बात नहीं कर रहे, क्योंकि नसवार ऐसी चीज है जो कि बहुत सारे लोग यूज कर रहे होते हैं, ऐसे ही अगर हम बात कर रहे हैं हर जबान वाले और काफी सारे लोग नसवार लगा रहे हैं, सिर्फ हम ये नहीं बोलेंगे कि पठान ही यूज कर रहे होते हैं, ऐसे ही है? ऐसा ही है। हाँ, तो रमजान बंदा आजकल लगा रहे हैं, हर बंदा लगा रहा है यार, वो लगा रहा है अपना क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, इमरान खान। अरे भैया इमरान खान भी लगाता है? अच्छा अच्छा, ऐसी कोई वीडियो आई है आपका इमरान खान की लगाते हुए? मैंने देखा एक वीडियो में, एक वीडियो में देखा है गाइस, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर भी भाई नसवार यूज करते हैं, और दोस्त मोहम्मद भाई के पास वीडियो भी है, या वीडियो में देखा है? हां वीडियो में मैंने देखा, वीडियो में देखा। और हमारे क्रिकेटर उसकी उनकी वीडियो सबने देखी, वीडियो सबने, लेकिन मैंने ये देखा कि वो नसवार तो नहीं, वो कोई कुछ अलग सी चीज थी जिसको बोलते हैं तो सौंफ है, ऐसा कुछ बोलते थे वो? नहीं, चक्के मार रहे था। अच्छा, जल्दी आउट होता था। अच्छा, तो यानी कि ये सभी लोग तकरीबन यूज कर रहे होते हैं, इनके फायदे तो बहुत है। अच्छा एक चीज और, रमजानों में हमने देखा कि बहुत सारे लोगों का दिमाग खराब चल रहा होता है, क्योंकि इसके पीछे रीजन यही है उन्होंने नसवार नहीं लगाई हुई होती। हाँ, नसवार लेना बहुत, रमजान तो बहुत मुश्किल होती है, आए दिन हम देखते हैं ट्रांसपोर्टर, खासतौर पर रोड पर झगड़े हो रहे होते हैं और हमारे ट्रांसपोर्टर असल में तलब होती है, अगर 10-15-20 मिनट के बाद आप नसवार नहीं लगाए और छुपी बर्बाद की बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, मैं तो आप लोग अफतारी करने के फौरन बाद नसवार लगाते होंगे, बस एक गिलास शरबत पानी इससे अफतारी करके उसके बाद जो नसवार नसवार मतलब खजूर शरबत उसके डायरेक्ट 8 घंटे तक कोई भी करीब आने नहीं दे रहे। ये पूरे दिन की एनर्जी आपको मिल जाती है, पूरे दिन की एनर्जी मिल जाती है। चले अच्छा जाहिद भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने दिन आप एक दिन में कितने यूज करते हैं? मैं तो बहुत कम यूज करता हूँ। अच्छा, एक दोस्त है जब जेब में होता है
तो सही है, जब जेब में न होता है तो सोचेगा यार हमारा दोस्त भी अच्छा। सच में ऐसा तन्हाई का वो इलाज है, तन्हाई का भी इलाज है, तन्हाई का भी इलाज है यार। हमें तो पता ही था मन में इतनी सारी खूबियां भाई, एक शेयर कर लेगा, कल से हम भी लगाना शुरू करेंगे, हम भी लगाते भी होते जू में जो पटाने भाई। Вачавана сварче на шаду сарки зират. Две пере чундеки лиана мадури рад. Кя бола бай не? Бай бол ле ке, мэй тарджума кар лета хун, ке бай, лагао ек чунди на свар, таке апке сар ме наша ае ор жае. इस एक काली छुट्टी के पीछे इंडिया से जो है ना मधुरी आ रही है, यानी अब तो खैर वो एक्सपायर हो गई, उस टाइम की बात है, एक्सपायर नहीं अभी भी है यार, एक्सपायर देख रहे हैं, अब उनका टाइम गुजर गया, मधुरी को लगा के दीपिका को लगा देते। हाँ अभी आज के दौर में जो है ना दीपिका को लगा दें, अच्छा छुट्टी के पीछे नहीं है वो, इंडिया से आ रही है एक। अच्छा 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 गाइस, वीडियो हमारी हो चुकी है मुकम्मल और यहाँ पे हम करेंगे अपनी वीडियो को खत्म इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, हमें दुआ में याद रखेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट लाजमी करेंगे। तो गाइस भाई और दोस्त भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस अगले वीडियो तक के लिए फहद मानी जाहिद और हम सबको दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।